हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्लास 11 का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.1। यहां पर पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फाइव डिग्री मेजर। मींस इसको हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। सुनिए आप, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, बस काम खत्म। यहां पर हम पहला देखते हैं 25 डिग्री, और अगर इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो इसको राइट करेंगे 25 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ये हमारा रेडियन हो जाएगा। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 5 5 5 3 5 6 तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 5 upon 36 रेडियन। देखते बेटा हम लोग सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा है -47 degree 30 minutes। अब लोग यहां पर आप समझने की कोशिश करना, जो हमारा 1 degree में 60 minutes, 1 degree में 60 minutes हो जाएगा, तो 30 minutes में हाफ डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर हम ये हमारा इसको राइट कर सकते हैं -47 into 1/2, ये हमारा डिग्री में हो जाएगा। अब इसको हम लोग -47 2 94 + 195/2, और इसको अगर हम रेडियन में चेंज करें तो हमें पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 19 जा 5 3 जा 5 6 जा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी -90 पाई 36, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इसमें रेडियन। ओके, यहां पर थोड़ा केयर करते हैं लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है 240 डिग्री। रेडियन में चेंज करने के लिए सीधी सी बात, हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 0 कैंसिल, 6 4 जा 6 3 जा, देन वी हैव 4 पाई बाई 3, ये हमारा हो जाएगा रेडियन। ये हमारा रेडियन हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री को हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये हमारा रेडियन में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 520 डिग्री है, इसको 520 डिग्री को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 2 9 जा 2 2 जा 2 6 जा, इस तरह से मेरे पास आ जाएगा 26 पाई बाई 9 रेडियन, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा है 11 बाई 16, और ये हमारा रेडियन में है, और इसको हमें चेंज करना है डिग्री में। तो इसको हम 11 बाई 16 into 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो फिर रेडियन को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा मेरा 11 upon 16 into 180, और पाई की वैल्यू होती है 22 upon 7। 11 2 जा 2 9 जा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा और 2 45 जा, ये वाला 7 ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 45 into 7 upon 8। 7 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 + 3 31 upon 8। अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, चलिए 8 4 जा तो जाएगा नहीं, 8 3 जा
8 3 जा 24, 7 आएगा 8 9 जा 72, हमारे पास 3 आ गया बाई 8 इसको डिग्री ऐसा करके लिख सकते हैं। अगर हम इसको चाहें तो मिनट और सेकंड में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया था आप लोगों को कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, अगर हमें इसको मिनट में चेंज करना है तो हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, मीन्स 39 डिग्री एंड 3 बाई 8 इंटू 60, ये हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा 39 डिग्री, और यहां पर हमारे पास आएगा 180। इसको कैसे भी कर सकते हैं, 4 2 जा 4 15 जा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 45/2, ये मिनट में हो जाएगा। और आगे इसको हम करते हैं 39 डिग्री और 45/2 तो 22 इंटीजा 1/2 हो जाएगा, तो 22 इंटीजा 1/2 मिनट हो जाएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट्स और 1/2 में 30 सेकंड हो जाएगा 30 सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा डिग्री में 11/16 की वैल्यू। ओके राइट कर दें आप लोग इसको, देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। -4 रेडियन और इसको हमें चेंज करना है डिग्री में। तो अभी हमने बताया था कि डिग्री में चेंज करने के लिए इसको हमें 180/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा डिग्री हो जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 720 और पाई की वैल्यू होगी 22/7, ये 7 ऊपर जाएगा तो -720/7/22। 2 से चाहे इसको कैसे कर सकते हैं, 211 जा 23 जा 26 जा, -7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 700/76 जा 42, 73 जा 21+4 25, 73 जा 21+4 आएगा, ओके 25 ठीक है, अपान 11 माइनस 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 11 2 जा 22, यहां पर 3 आएगा, फिर हमारे पास 11 2 जा ही होगा और 11 2 जा के बाद यहां पर हमारे पास आएगा 10 100 हो जाएगा, 11 9 जा 11 9 जा और ये हमारे पास हो जाएगा फिर 1/11, तो ये तो हमारा डिग्री में हो गया। अगर हम इसको मिनट में चेंज करना चाहें तो -229 ये डिग्री हो जाएगा और 1/11 × 60 ये हमारा मिनट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, -229 डिग्री 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 5 55 हो जाएगा और फिर हमारे पास बचेगा कितना, 5 ही बचेगा, 5 मिनट हो जाएगा और जो हमारे पास मिनट में हमारे पास हो जाएगा 5 × 5/11, ये हमारा मिनट हो जाएगा। अगर इसको सेकंड में चेंज करना चाहे तो ये मेरे पास हो जाएगा -229 डिग्री और ये 5 मिनट, और इसको अगर मिनट सेकंड में चेंज करना चाहे तो इसको भी हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हमारा सेकंड हो जाएगा, -229 डिग्री 5 मिनट और इसके बाद यहां पर हो जाएगा 300/11, ये सेकंड हो जाएगा, -229 मिनट डिग्री 5 मिनट और ये मैं इसको डिवाइड कीजिए, 11 2 जा 22, 8 आएगा 11 7 जा और उसके बाद फिर 3 आएगा फिर 11 2 जा 11 7 जा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। इस तरह से -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27.27 सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसको आप लोग राइट करो। ओके हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट, 5π/3 रेडियन है और इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है।
तो हमने बताया कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 60 हो जाएगा, 60 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा, ये 300 डिग्री हो जाएगा। और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 7π/6, ये हमारा रेडियन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे 7π/6 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई, कैसे बाई पाई, 6 3 जा और 37 जा 210 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। राइट करना आप लोग बेटा इसको। हम लोग देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, मीन्स एक व्हील जो है, एक चक्का जो है, वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन मीन्स 360 बार घूमता है, 360 टाइम्स। और थ्रू हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो पहले हम ये देख लें कि 1 सेकेंड में वो कितना राउंड लगाएगा। तो यहां देखिए 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो यहां पर आप थर्ड का सोल्यूशन देते हम लोग, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन करता है। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 60 सेकेंड में कितना, तो 1 सेकेंड में 360/60 6 रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 6 टाइम्स। और एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, मीन्स 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। देयरफॉर रेडियन एंगल मेड इन 1 सेकेंड, तो हमने बताया 1 राउंड में, पूरा 1 राउंड आप लगा लेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और 6 राउंड पूरा करना है तो फिर 2π/6 मीन्स 12π रेडियन का एंगल बनेगा। एंगल सब्टेंडेड इन 1 सेकेंड या एंगल मेड इन 1 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 2π, हमने क्यों लिखा, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन में पूरा 1 राउंड लगाने में 2π रेडियन का एंगल बनता है, 2π रेडियन 360 डिग्री का, तो हमें रेडियन बताना था इसलिए हमने इसको रेडियन में ही रखा, 2π रेडियन इनटू 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 12π रेडियन। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर थोड़ा क्लियर करते हैं हम लोग, पहले तो हम एंगल निकालेंगे और जो एंगल निकलेगा वो रेडियन में होगा, दिस इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, ये फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर, थीटा एंगल हो गया, एल आर्क की लेंथ हो गई, आर रेडियस हो गया, तो आर्क हमारा है 100 सेंटीमीटर का, रेडियस हमारा है 22 सेंटीमीटर, तो ये हमारा रेडियन में आएगा, ये रेडियन में होगा और हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए भी हमने बताया था आपको कि हमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर हम 100/22 इंटू 180/पाई की वैल्यू 22/7, यहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा वैल्यू पुट करने में हम लोगों ने गलती करी है, आर्क की जो लेंथ है वो 22 है और जो रेडियस है हमारा वो 100 है,
22/100, ये 22 से ये 22 कैसे हो जाएगा, ये 0 से 0 कैसे हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 18 × 7/10, 2 5 9 9 7 63/5, तो ये हमारा डिग्री हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 1 5 1 3 13 हो गया, 5 2 12, और उसके बाद हमारे पास बचेगा 6 6/5, 6 कहां से बचेगा, 3 बचेगा बेटा, 3/5, और इसको हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 12 ये हो जाएगा, 12 degree 12 3 36 मिनट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू पुट करने में गलती करी थी, ओके। चलिए हम लोग राइट कर लेते इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल का जो डायमीटर है सेंटीमीटर हो गया, ये वाला भी रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया, और जो ये कार्ड आया ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इस कार्ड से और रेडियस से जो ट्राइंगल बना हमारा, वो कैसा ट्राइंगल है, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय द फिगर वी सी दैट एंगल ए ओ बी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है और इक्विलेटर ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ये इक्विलेटर ट्राइंगल कैसे हुआ आपको पता लग गया होगा, तो ये 60 डिग्री का होगा। अगर इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो ये पाई बाई 3 रेडियन होगा, तो ये हमारा एंगल आ गया। अब ये आर्क, इस कार्ड के करेस्पॉन्डिंग आर्क हमारा ये वाला हुआ, और इसी आर्क की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी दिस इज इक्वल टू एंगल मीन्स इनटू रेडियस। तो अभी हमने फार्मूला बताया था आपको, एल अपान आर इज इक्वल टू थीटा या एल इज इक्वल टू थीटा इनटू आर, तो ये वाला फार्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया। एंगल हमारा रेडियन में होना चाहिए, ये बात है, तो रेडियन में इस पाई बाई 3 और इनटू रेडियस, रेडियस हमारा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर, और चाहे तो हम इसको 20/3 पाई की वैल्यू रख सकते हैं, 22/7, इसको सॉल्व करके जो आएगा उतना सेंटीमीटर, ये हमारा इस आर्क की लेंथ हो जाएगी। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है कि रेडियाई मीन्स, ये तो हमें पता ही है, थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर, ये होता है। तो अगर हम कहें कि थीटा 1/थीटा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा L1/R1/L2/R2, ऐसा लिख सकते हैं, थीटा 1/थीटा 2 इज इक्वल टू L1, चूंकि क्या कह रहे हैं सेम लेंथ सबटेंड, जो आर्क है वो सेम लेंथ का है, तो एल दोनों में इक्वल हो जाएगा, एल वन एल टू इक्वल हो जाएगा, ये भी एल और ये भी एल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास
हो जाएगा थीटा वन अपान थीटा टू, या हम आर वन अपान आर टू राइट करें तो हमें मिलेगा थीटा टू अपान थीटा वन, और थीटा की वैल्यू, थीटा टू की वैल्यू 75 इंटू पाई बाई 180, और उसके बाद थीटा वन की वैल्यू 60 इंटू पाई बाई 180। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 5 15 4 जा, देयरफॉर आर वन रेशियो आर टू इज इक्वल टू हो जाएगा 5 रेशियो 4 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो जो पेंडुलम की लेंथ होगी वो रेडियस का काम करेगा, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, और आर्क ऑफ लेंथ यहां पर दी गई है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और पहला क्वेश्चन इसमें एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, रेडियस हर बार आपका 75 सेंटीमीटर रहेगा, हमें फाइंड आउट करना है थीटा बी, नो थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर, यहाँ पर एल एल की वैल्यू 10 अपान 75 और ये हमारा रेडियन में आएगा, और हमें रेडियन में ही फाइंड आउट करना है। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 2 5 15 जा 2 अपान 15 रेडियन, ये हो जाएगा हमारा एंगल। सेकेंड नंबर आपकी बार L की वैल्यू हमारी 15 सेंटीमीटर है, R हमारा हर बार 75 सेंटीमीटर रहेगा, थीटा इज इक्वल टू L अपान R, 15 अपान 75, 15 बन जा 15 5 सर 1 अपान 5 रेडियन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आपकी बार L की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, R हर बार 75 सेंटीमीटर ही रहेगा, हमें थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर, और यहाँ पे 21 अपान 75 इसको कैंसिल करते हैं, 3 7 3 25 सा जो जाएगा 7 अपान 25 रेडियन, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप लोग राइट कर दो, नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सरसाइज 3.2 का होगा।